हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं दिल्ली कैपिटल बनाम आरसीबी के मैच की ड्रीम टीम। ये मैच भी खेला जाने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस स्टेडियम का ये आईपीएल का दूसरा मैच रहेगा। पहला मैच हुआ केकेआर बनाम पंजाब किंग्स, जो कि एक लो स्कोरिंग मैच था जहाँ पे फास्टर और स्पिनर दोनों ने विकेट चटकाए, लेकिन बल्लेबाज थोड़े रन्स बनाने में नाकामयाब रहे। तो चलो देखते हैं दिल्ली और बेंगलोर के लिए ड्रीम टीम। सबसे पहले जाते हैं विकेट कीपिंग ऑप्शन में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो ऑप्शन है, एबी डिविलियर्स और ऋषभ पंत। दोनों भी बेस्ट विकेट कीपर और बेस्ट बैट्समैन हैं। ऋषभ पंत यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि ऋषभ पंत बैटिंग के लिए आगे आते हैं। जैसे कि आपको पता है, एबी डिविलियर्स को कुछ कुछ मैच में बैटिंग ही नहीं मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एबी डिविलियर्स के कुछ लास्ट मैच के पॉइंट्स। पिछले मैच में वो जल्दी आउट हुए थे रविंद्र जडेजा की बॉलिंग पे। उसके पहले के मैच में उनको सिर्फ 12 पॉइंट मिले हैं। अगर एबी डिविलियर्स के रन्स की बात करें तो चलो देखते हैं एबी डिविलियर्स ने कौन से मैच में कितने पॉइंट्स बनाए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एबी डिविलियर्स के कुछ लास्ट मैच के रन्स हम आपको दिखा रहे हैं। लास्ट मैच में एबी डिविलियर्स ने 4 रन बनाए थे। उसके पहले वाले मैच में उनको बैटिंग ही नहीं मिली थी। फिर उससे पहले जो मैच हुआ था उसमें उन्होंने 76 रन बनाए थे। उसके बाद 1 रन बनाया था, और फर्स्ट जो मैच हुआ था उसमें उन्होंने 48 रन बनाए थे। मतलब जब जब मौका मिलता है तो एबी डिविलियर्स रन बनाते ही है। लास्ट मैच में वो फ्लॉप रहे और उसके पहले के मैच में उनको बैटिंग ही नहीं मिली। तो इसीलिए इस मैच में हम एबी डिविलियर्स को ड्रॉप दे रहे हैं और सिर्फ ऋषभ पंत को ले रहे हैं। उसके बाद देखते हैं बैट्समैन। बैटिंग में पहले ऑप्शन पे है विराट कोहली। विराट कोहली को हम हमारे टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर विराट कोहली का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लास्ट मैच में वो जल्दी आउट हुए थे 8 रन पे, लेकिन उससे पहले के मैच में उन्होंने 72 रन बनाए थे। उससे पहले के मैच में भी वो 5 रन पे ही सस्ते में आउट हुए थे, लेकिन उसके पहले 33 और उससे पहले भी 33। तो लगभग उनका रिकॉर्ड अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो पूरे फॉर्म में नहीं है। फिर भी हम उनको सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके जैसे बड़े खिलाड़ियों को फॉर्म में आने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। उसके बाद शिखर धवन है। शिखर धवन के भी 423 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा क्रेडिट इशू होने के कारण हम हमारी टीम में शिखर धवन को ड्रॉप दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है मैक्सवेल। जैसे कि आपको पता था, मैक्सवेल इससे पहले के मैच तक ऑलराउंडर्स के सेशन में थे, लेकिन अभी वो बैट्समैन में आ गए, क्योंकि आरसीबी उनको ज़्यादा बॉलिंग देती नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है ड्रीम इलेवन ने मैक्सवेल को बैटिंग ऑप्शन में रखने का। तो हम यहाँ पे मैक्सवेल को सिलेक्ट कर रहे हैं। मैक्सवेल को आपको डेटा दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैक्सवेल ने किस तरह से रन्स बनाए हैं। लास्ट मैच में 22 रन्स बनाए थे। उसके पहले मैच में उनको बैटिंग ही नहीं मिली। उससे जो पहला मैच होता उसमें उन्होंने 78 रन्स बनाए थे। उसके पहले मैच में भी 59 और उसके पहले मैच में 39। मतलब लगभग हर मैच में मैक्सवेल ने रन्स बनाए हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सवेल को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ के भले पॉइंट कम दिख रहे, लेकिन वो ज़्यादा मैच नहीं खेले। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो 3 मैच खेले, जिसमें 2 मैच में वो ड्रीम टीम में भी थे। तो इसीलिए हम स्टीवन स्मिथ को अपनी टीम में ले रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बड़े खिलाड़ी है। उसके बाद यहाँ पे है देवदत्त पडिक्कल, जो कि एक बेहतरीन फॉर्म में है, इसीलिए हम देवदत्त पडिक्कल को अपनी टीम में ले रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल का आपको स्कोर कार्ड दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पडिक्कल ने जो स्कोर किया, लास्ट मैच में 34 बनाए थे। उससे पहले के मैच में उन्होंने एक सेंचुरी लगाई थी बढ़िया। उससे पहले के मैच में 25, फिर उससे पहले 11 रन, और पहले मैच में वो नहीं खेले थे। तो ये भी एक बड़ी ऑप्शन है बैट्समैन में। तो यहाँ पे हम पडिक्कल को सिलेक्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे टीम में हमने 1, 2, 3, 4 बैट्समैन लिए हैं और एक विकेट कीपर लिए हैं, और एक दिल्ली का बैट्समैन यहाँ पे हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिनका नाम है पृथ्वी शॉ। क्योंकि हम दोनों ओपनर को ड्रॉप नहीं देख सकते, क्योंकि किसी किसी मैच में ओपनिंग जोड़ी 50, 60, 70 रन्स की पार्टनरशिप देती है। तो पृथ्वी शॉ को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। भले उनके शिखर धवन से पॉइंट कम है, लेकिन रिसेंट मैचेस में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ पे आपको पृथ्वी शॉ का रिकॉर्ड दिखाते हैं। लास्ट मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी की थी, 53 रन बनाए थे। उससे पहले की मैच में 7 रन पे ही आउट हुए थे, और उससे पहले के मैच में 32 रन बनाए थे। उससे पहले 2 रन, और फर्स्ट मैच में भी उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी। तो वो ठीक ठाक फॉर्म में है।
तो इसीलिए हम हमारी टीम में हम पृथ्वी शॉ को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर्स में यहाँ पे ऑप्शन है क्रिस वोक्स, टोइनिस, अक्षर पटेल, डैनियल क्रिश्चियन, वॉशिंगटन सुंदर। क्रिस वोक्स तो लास्ट मैच में नहीं थे। उसके बाद है स्टोइनिस। स्टोइनिस एक बढ़िया ऑलराउंडर है, लेकिन इस सीज़न में वो कुछ ज़्यादा फॉर्म में नहीं है। उन्होंने रन्स भी बहुत कम बनाए हैं और विकेट तो लगभग एक ही विकेट मिला है उनको लास्ट 5 मैच में। उसके बाद है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल लास्ट मैच खेले और उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं अक्षर पटेल ने लास्ट मैच में क्या किया था। अक्षर पटेल ने लास्ट मैच में 2 विकेट्स निकाले थे और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो कि लास्ट मैच उनका सुपर ओवर हुआ था, उसमें अक्षर पटेल ने काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग करके दिल्ली को जिताया था। तो इसीलिए हम यहाँ पे अक्षर पटेल को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है डैनियल क्रिश्चियन, जो कि हर मैच खेलते ही है, ऐसे नहीं है, और टोटली आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर चल रहे हैं। उसके बाद है वॉशिंगटन सुंदर, ये भी एक अच्छे ऑप्शन है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ अक्षर पटेल को ही चूज़ कर रहे हैं ऑलराउंडर ऑप्शन में। अब देखते हैं बॉलर्स। बॉलर्स में पहले ऑप्शन पे है हर्षल पटेल, जो कि इस साल के अभी तक के पर्पल कैप होल्डर है। 463 पॉइंट है उनके, तो हम उनको हमारी टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद है कगिसो रबाड़ा। कगिसो रबाड़ा इस सीज़न में थोड़े ऑफ कलर दिख रहे हैं। आपको दिखाते हैं कगिसो रबाड़ा के बॉलिंग फिगर्स। कगिसो रबाड़ा में लास्ट मैच में एक भी विकेट नहीं मिला था, उसके पहले मैच में एक, उससे पहले एक, उसके पहले मैच में 2, और पहला मैच वो खेले नहीं थे। तो कुल मिला के 4 मैच में सिर्फ कगिसो रबाड़ा ने 4 विकेट ही निकाले हैं। तो इसीलिए हम इस मैच में कगिसो रबाड़ा को हमारे रिस्क पे ड्रॉप दे रहे हैं। उसके बाद नीचे है मोहम्मद सिराज, काइल जेमिनसन। सिराज के 217 पॉइंट है और जेमिनसन 243 पॉइंट है। तो यहाँ पे हम जेमिनसन को प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि वो बैटिंग के लिए थोड़े ऊपर आते हैं सिराज से। तो कभी कभी किसी मैच में अगर आरसीबी के जल्दी विकेट्स गिर जाते तो वहाँ पे जेमिनसन आके 10, 15, 20 रन बना सकते। तो हम जेमिनसन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है जैम्पा रिचर्डसन, वो तो नहीं खेले है। यजुवेंद्र चहल एक ऑप्शन है, लेकिन इस साल चहल थोड़े आउट ऑफ फॉर्म चल रहे। लास्ट मैच में वो ड्रीम टीम में थे, लेकिन उससे पहले के मैच में उनको एक भी विकेट नहीं मिला था। उससे पहले के मैच में 2 विकेट जरूर निकाले थे, लेकिन पहले जो 2 मैच में थे उनमें वो पूरी तरह से फ्लॉप फ्लॉप थे। तो इसीलिए हम इस मैच में यजुवेंद्र चहल को ड्रॉप दे रहे हैं। उनकी जगह पे हम ले रहे हैं आवेश खान। आवेश खान बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। इस साल के सबसे सक्सेसफुल दिल्ली के बॉलर अभी तक आवेश खान ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके पॉइंट्स भी, 331 पॉइंट्स है उनके। आवेश खान ने जो विकेट्स लिए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेश खान लास्ट मैच में 3 विकेट, उसके पहले जो मैच हुआ उसमें 2 विकेट, फिर उससे जो पहले मैच हुआ उसमें 1, सेकेंड मैच में 3, और फिर फर्स्ट मैच में 2। मतलब लगभग हर मैच में आवेश खान विकेट निकाल रहे हैं। तो ये मस्ट पिक है हमारा इस टीम का, आवेश खान। उसके बाद हमारे 10 खिलाड़ी सिलेक्ट हो चुके हैं, अभी 9.5 का क्रेडिट बचा है। तो यहाँ पे हम नीचे अमित मिश्रा को ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो स्पिन बॉलिंग की है लास्ट मैच में वो काफ़ी बढ़िया थी। यहाँ पे आप 163 ही पॉइंट है उनके, लेकिन आप देख सकते हैं पहले मैच में उन्होंने कुछ विकेट नहीं निकाला था, 2 मैच वो खेले नहीं थे, लेकिन उसके बाद जो 2 मैच खेले, एक मैच में उन्होंने तो 4 विकेट निकाले थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और लास्ट मैच में भी 1 विकेट निकाला था उन्होंने। और ये पिच भी थोड़ी स्पिनर्स को मदद करेगी, तो हम यहाँ पे अमित मिश्रा को ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी प्लेइंग 11 टीम। कीपर में है ऋषभ पंत, उसके बाद बैट्समैन में देवदत्त पडिकल, मैक्सवेल और विराट कोहली। ये आरसीबी के 3 बैट्समैन हमने लिए हैं। उसके बाद दिल्ली के 2 बैट्समैन लिए हैं, पृथ्वी शॉ और स्टीवन स्मिथ। मतलब दिल्ली के टोटल 3 बैट्समैन हो गए ऋषभ पंत को पकड़ के। ऑलराउंडर में हमने एक ही ऑप्शन लिया है अक्षर पटेल, बाकी के ऑलराउंडर ज़्यादा फॉर्म में नहीं है। उसके बाद बॉलिंग में हमने सिलेक्ट किया है जेमिनसन, हर्षल पटेल, आवेश खान और मिश्रा। आवेश खान दिल्ली के इस साल के सक्सेसफुल बॉलर है और हर्षल पटेल आरसीबी के सक्सेसफुल बॉलर है। आप अगर चाहे तो यहाँ पे अमित मिश्रा और जेमिनसन के जगह पे रबाड़ा और सिराज या फिर सैनी को ले सकते हैं अपने रिस्क पे। हमने इस मैच में जेमिनसन और अमित मिश्रा को प्रायोरिटी दी है।
उसके बाद आगे सवाल आता है कैप्टन वाइस कैप्टन का। तो यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस है कैप्टन के लिए। यहाँ पे आप देवदत्त पड़िकल भी एक अच्छे बैट्समैन है जो फॉर्म में है, उसके बाद विराट कोहली को आप कैप्टन रख सकते हैं जो कि एक बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, उसके बाद स्टीव स्मिथ है जो भी एक बड़ी इनिंग खेलने के काबिल बैट्समैन है, उसके बाद बॉलर में आप हर्षल पटेल को भी कैप्टन रख सकते हैं क्योंकि अगर उन्होंने 3 या 4 विकेट निकाले तो आपको लगभग वो 200 पॉइंट्स से भी ज़्यादा पॉइंट्स देंगे अपनी बॉलिंग से। उसके बाद आवेश खान भी एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टन के लिए अगर आप रिस्की ग्रैंड लीग वगैरह में टीम डालते हैं तो। हम हमारी टीम में हर्षल पटेल को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं कैप्टन के लिए। अगर आरसीबी की पहली बॉलिंग आती है तो हर्षल पटेल के ज़्यादा चांसेस रहते हैं 2 से ज़्यादा विकेट निकालने के क्योंकि वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग डालते हैं। अगर आरसीबी की सेकेंड बॉलिंग आती है तो हर्षल पटेल के चांस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि अगर आरसीबी कम स्कोर में ऑल आउट होती है तो फिर हर्षल पटेल के बॉलिंग पे ज़्यादा विकेट गिरने के चांसेस कम हैं। तो अगर आरसीबी की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो हम हर्षल पटेल को कैप्टन रखेंगे और वाइस कैप्टन देवदत्त पड़िकल या फिर विराट कोहली, आप इन दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं। देवदत्त पड़िकल ज़्यादा अच्छे फॉर्म में तो हम देवदत्त पड़िकल के साथ जाएंगे। तो हमारे ये चॉइसेस है अगर दिल्ली फर्स्ट बैटिंग करती है और बेंगलुरु की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो। अगर दिल्ली की सेकेंड बैटिंग आती है तो यहाँ पे हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। हम यहाँ पे स्टीवन स्मिथ को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि वो सेकेंड इनिंग में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैटिंग करते हैं। हम स्टीवन स्मिथ को सेकेंड इनिंग में कैप्टन रखेंगे और वाइस कैप्टन आप रख सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल या फिर विराट कोहली में से दोनों में से एक किसी को रख सकते हैं। तो हम विराट कोहली के साथ जाएंगे क्योंकि ओपनिंग को आते हैं, लंबी पारी खेलने का टाइम मिलता है उन्हें। तो हम अगर दिल्ली सेकेंड बैटिंग करती है तो स्मिथ और विराट कोहली को रखेंगे। अगर आपको ग्रैंड लीग के लिए चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। ग्रैंड लीग में आप ऋषभ पंत को भी कैप्टन रख सकते हैं जो कि वन डाउन पे आते हैं और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद मैक्सवेल है, मैक्सवेल को भी आप कैप्टन रख सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। और ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन तो बॉलर्स है। यहाँ पे आपको पता ही है कि ज़्यादा लोग तो बैट्समैन पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन अगर किसी बॉलर को आपने कैप्टन रखा और उसने 3 या 4 विकेट दिए तो आपको वो बॉलर 250-300 पॉइंट तक भी लेके जा सकता है। और बॉलर्स का सीनारियो ऐसा है कि यहाँ पे जो मेन मेन बैट्समैन है वो तो सबके टीम में रहते हैं, लेकिन जो मेन मेन बॉलर्स है वो सबके टीम में रहते ही है ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे आवेश खान भी एक अच्छा ऑप्शन है, काइल जेमिनसन भी बॉलिंग में एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टन रखने के लिए, अक्षर पटेल भी एक अच्छा ऑप्शन है बॉलिंग में कैप्टन रखने के लिए ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी इस मैच की ड्रीम टीम। हम हमारी वीडियो में कहाँ पे भी आपको ये प्लेयर्स लेने के लिए फोर्स नहीं कर रहे और कहाँ पे भी आपको प्रॉमिस नहीं दे रहे कि यही खिलाड़ी खेलेंगे और बाकी के खिलाड़ी फ्लॉप रहेंगे, क्योंकि क्रिकेट एक तमाम अनिश्चितताओं का खेल है ये आप भी जानते हैं। किसी का दिन रहता है तो वो खिलाड़ी 100 भी मारता है, दूसरे दिन वो 0 पे भी आउट हो सकता है। तो ये टोटली आपके और उस खिलाड़ी के लक पे डिपेंड है। तो आप अपनी टीम आपके हिसाब से चुनिए और टॉस के बाद अपनी टीम एडिट करना ना भूलिए क्योंकि किसी खिलाड़ी को इंजर्ड या फिर रेस्ट दिया जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम हर मैच की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।